हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे किस तरह से परफॉर्मेंस रह रही है सिल्वर मिनी की इस वीक के, जो लास्ट वीक की हमारी एनालिसिस की वीडियो थी। अगर आपने उसको देखा होगा तो डेफिनेटली आपको मार्केट उसी रेंज में दिखाई पड़ा है। वो रेंज क्या थी उसके लिए अगर आप रेगुलर बेस से मेरी वीडियो को वॉच करना चाह रहे हैं और अपडेट चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको मॉर्निंग इवनिंग सारे सेंटिमेंट्स विथ ट्रेडिंग सेटअप के साथ देता हूँ कि कहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। सिल्वर माइक्रो कि मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी, ये आप वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिल सकती है, साथ में व्यू मिल सकता है कि मार्केट क्या 75 जाने वाला है, 70,000 जाने वाला है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं सिल्वर मिनी का। तो सिल्वर मिनी के लिए हम सबसे पहले, अगर आप मेरे ट्रेडिंग से कंटिन्यू अपडेट रहना चाह रहे हैं, जिसमें मैंने व्यूज पोस्ट करता रहता हूँ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर 1800 प्लस लोग हैं। साथ में फ्रेंड्स आ गए हम चार्ट पे। चार्ट फ्रेंड्स सिल्वर मिनी का चार्ट है, जिस पे अभी हम यहाँ से एक रेक्टेंगल के थ्रू ड्रा करते हैं कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट जहाँ पे खड़ा हुआ, अगर 72,000 का जो लेवल इसने बना रखा है, 72,000 से लेके नीचे 70,000 तक का लेवल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल भी इसको बोल सकते हैं। क्योंकि अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है तो आपको डेफिनेटली ये बड़े मूव डाउन साइड के लिए दिखाई पड़ेंगे। जब तक मार्केट इस रेंज को सस्टेन किया है 2000 पॉइंट का, तब तक मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली है। और साथ में अगर यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, तो ये सिमिलर तरीके से मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट की तरफ यूज कर रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए जाते हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस को 74,300 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसने अभी इस वीक में इसी लेवल को ऊपर की तरफ टच किया है। इसके बाद सेकंड लेवल की अगर बात करेंगे तो सेकंड इसके लिए 76,000 का लेवल है। तो मार्केट इसी बीच में रहने वाला है। मोस्टली चांस यही है कि मार्केट 74 से लेकर 75 के बीच में ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो हमें नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ अच्छे दिखाई पड़ने वाले हैं। इनके मार्केट नीचे निकलता है तो इसके 70 के नीचे फिर मार्केट के नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए 68,000 का लेवल है। इतना मार्केट वीक नहीं कि 68,000 तक आ जाए, आने वाले टाइम में आ सकता है। अभी करंट वीक में मार्केट के लिए रेंज क्या रहने वाली, इसको हम एक स्टेप और नीचे चलते हैं वहाँ में, और रिफाइन व्यू से पता चलेगा, जो कि हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। तो फ्रेंड्स ये वीकली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें आपको जो रेंज मैंने मार्क किया था, उस रेंज को अगर आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 वीक से मार्केट सिमिलर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये रेंज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसने इसको ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ही इसके ऊपर सस्टेन करके अभी बना हुआ है। अगर इसको देखते हैं तो अप्रैल मार्च में इसने ब्रेकआउट कर दिया है, अप्रैल मई जून, अभी जून तक ये इसमें सस्टेन किया, ऑलमोस्ट 3 महीने होने को है, लेकिन मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ पा रहा है जो इसने सस्टेन किया हुआ था। तो इसका मतलब है ये अभी हमारे लिए स्ट्रांग डिमांड जोन है। डिमांड जोन बोले या सपोर्ट जोन बोले, दोनों सेम होता है। यहाँ से मार्केट के लिए ऊपर जाने के चांसेस हैं जब तक कि ये इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता। सारी चीज़ें जो यहाँ रहेंगी क्लोजिंग बेसिस पे रहेंगी, और ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले 74,000, 73,000, ये 1,500 पॉइंट पे इसके लिए रेंज सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर हम पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा 73,500 का है, इसको अगर मार्केट निकालता है तो इसके ऊपर फिर दोबारा सस्टेन करने के लिए जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो लेवल है आपके लिए 74,348 का। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर ये 75,000 को टच करने की कोशिश करेगा, 75,144 का लेवल है। और अगर नीचे मार्केट आता है तो इसके लिए पहला सपोर्ट जो बना हुआ है 72,000 का है, उसके बाद में मार्केट 71,000 को रिस्पेक्ट करेगा, 70,800 का लेवल भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रख के ही प्लानिंग करना है। ओवरऑल अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में जो मार्केट दिख रहा है एक रेंज में ही आपको दिखाई पड़ रहा है। जब तक इस रेंज को ऊपर या फिर नीचे क्रॉस नहीं करता है, तब तक इसमें हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं बनाने हैं। हमें जस्ट ट्रेडिंग, अगर नीचे आता मार्केट यहाँ को पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो हमें पॉजिटिव साइड के लिए निकल जाना है, बाइंग साइड के लिए। अगर ऊपर की तरफ कुछ ऐसा सेंटीमेंट बनता है तो नीचे की तरफ निकल जाना। मार्केट 5 वीक से एक रेंज में है, इसका मतलब ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। ब्रेकआउट फ्रेंड्स जब भी ये करेगा, 2000 पॉइंट का रेंज बना रखा है तो 3 से 4 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम इसका ऊपर या फिर नीचे होने के चांसेस हैं। तो इस विषय में आप ध्यान में रखिएगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना होगा विद इन टाइम, नहीं तो आपके लॉस बड़े हो जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट सिमिलर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ इसने कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाई है, डेली टाइम फ्रेम में गैप डाउन होता है, फिर यहाँ से रिकवर कर जाता है और फिर इसका फॉलोअप भी ऊपर आता है।
लेकिन अभी जब तक ये 73 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम इसमें इतने पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के लिए नहीं जाने वाले हैं। तो 73,000 इसमें पहला हर्डल फेस करेगा, इसका थिकनेस मैं कर देता हूँ 1, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। 73 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट के लिए दोबारा से 73,500 ऊपर की तरफ, अगर आप देख रहे हैं 5-500 पॉइंट पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन केस मार्केट नीचे निकलता है तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है इसका 72 है, उसके बाद में मार्केट के लिए 72 के नीचे जो बनता हुआ है 71,300-400 ये लेवल इसके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट नीचे के लिए सपोर्ट इसका है। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग के लिए अगर देखते हैं तो ऐसा हमें क्लियर मूव कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि हम बाइंग के साइड के लिए जा सकते हैं। यहाँ अगर इसका फॉलो अप ऊपर की तरफ आएगा तो फ्रेंड्स हमारे लिए 1,000 पॉइंट से लेकर 1,500 पॉइंट तक की अपसाइड की रैली आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा का यहाँ पे पॉजिटिव साइड बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। और साथ में अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे में इस रेंज को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहेंगे। ओवरऑल जो यहाँ पे सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है आपको ट्रेडिंग के लिए बनता दिख रहा है, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा यहाँ भी दूर रहने की हम कोशिश करेंगे। एक ट्रेंड अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड तो थोड़ा नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये 73 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है। 73 के ऊपर जाएगा फिर 73,500-600 उसके बाद में 74,000 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस को फेस करेगा। तो ओवरऑल मार्केट जो इंडियन मार्केट है थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा अपनी रेंज को दोबारा से ब्रेक करने के लिए। इनके नेगेटिव साइड जाता है तो हमें बड़े मूव देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना होगा। अब फ्रेंड्स हम 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं। तो 4 आवर सेटअप में पिछले 2 दिनों से जो रैली इसने दिखाई है अगर आप उसको देखते हैं तो ज़बरदस्त मूव रहा है। गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे जाके सपोर्ट लेवल रहता है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है। सपोर्ट के बाद एक छोटा सा कंफर्मेशन भी देता है, उसके बाद आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ बनती हुई दिखती है। और यहाँ से देखते हैं 70,800 से लेके मार्केट ऊपर जाके 72,800-900 का लेवल इसने दिखाया, मतलब 2,000 पॉइंट का मोमेंटम 2 दिन में हुआ है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखते हैं तो यहाँ पर 20% से ज़्यादा का 2 दिन में आपको ROI मिला होगा। आप इस वजह से यहाँ भी आपके वॉलेटाइल मार्केट है, दोनों साइड का मूव रहता है, बस यहाँ आपको ये देखना है कि मार्केट में कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको कैसे ग्रैब करनी है। इनके समय सेल साइड का इंडिकेशन मिलता है तो वहाँ बाइंग साइड नहीं जाना है, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। हम एज ए ट्रेडर वर्क करते हैं, हमारा मेरा जो व्यू रहता है स्पेशली इंट्राडे का रहता है, मैं डेली का प्रॉफिट डेली बुक करता हूँ। इनकेस कभी हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हैं तो मैं उसको ले जाने का भी प्रेफर करता हूँ, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ में, जिससे इनकेस अगर गैप डाउन भी हो जाए तो मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो आपको सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, कौन सी आपके लिए सुटेबल है टाइम फ्रेम जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसको देखिए और लर्न करिए। फ्रेंड्स अभी मार्केट के लिए जो रेंज बनती हुई यहाँ भी दिखाई पड़ रही है 70,000 से लेके ऊपर की तरफ 75,400-500 के लिए रेंज बनेगा। अगर मार्केट 74 के ऊपर कंटिन्यूअसली 1 दिन 2 दिन सस्टेन करता है तो आपको 75 के ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन इसको सस्टेन करना चाहिए। इनकेस जाता है डाउन साइड होकर आ जाता है तब तक के लिए मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं बनेगा। ओवरऑल आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करेंगे, मैं आपको मॉर्निंग सेंटीमेंट में वीडियो पोस्ट करता हूँ। सिमिलर तरीके से सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो दोनों परफॉर्म करते हैं, दोनों का अमाउंट अलग होता है क्योंकि दोनों के लॉट साइज अलग होते हैं, थोड़ा प्राइस सेक्शन अप एंड डाउन हो सकता है। इस वजह से आप देखिए सीखिए लर्न करिए और कंटिन्यू चैनल को विजिट करते रहिए, साथ में फ्रेंड्स अपने इस कम्युनिटी के साथ शेयर करिए। मैं आपके लिए कुछ कंटेंट बना रहा हूँ जो आपके लिए आने वाले टाइम में मिलेंगे, जिससे आपकी लर्निंग और अच्छी इंप्रूव हो सकेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।